Everybody, hello, hello. Winter is coming. अब हीटर जलेगा, सरसों का साग बनेगा, गर्लफ्रेंड चाहे कितनी भी हॉट हो उसके लिए गर्मा गर्म ब्लैंकेट निकालना ही पड़ेगा। लेकिन सर्दियां रोमांस का सत्यानाश कर देती है। जो पति पहले पत्नी के नहाकर निकलने पर उसके बालों से गिर रहे पानी की बूंदों को देखकर शायरियां करता था, सर्दियों में उसके बाथरूम से निकलते कहता, सुधरेगी नहीं तू, फिर मेरे गर्म पानी से नहा लिया तूने। वेल द बेस्ट थिंग इज हमारे यहां हर मौसम में एक ही काम होता है, फैमिलीज का फॉर्च्यून बनाना। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून। एक सवाल 100 जवाब फॉर्च्यून बनाओ मंत्रा के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन आ रहा है अपना फॉर्च्यून बनाने। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर संदीप एंड फैमिली। वेलकम संदीप जी। थैंक यू। कौन कौन आया फैमिली में मिलवाएं? मेरी अंधांगनी जया शर्मा। हेलो जया। मेरी बेटी सुपुत्री अनन्या। हाय अनन्या। और मेरा भांजा अंकित। हाय। बहुत कूल, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स एवरीवन। थैंक यू। वही इधर वाले आ गए, अब उधर वालों को बुलाते हैं। लेट्स हियर इट फॉर नीति एंड फ्रेंड्स। हेलो नीति, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। थैंक यू। आपकी फैमिली में कौन कौन है मिलवाएं? ये है गुरप्रीत, ये है मेरी बेटी मुस्कान। हेलो मुस्कान। और वो है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड मीत और गुरप्रीत की मम्मी। वंडरफुल, थैंक यू एंड वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। भाई जैसे सोना खरीदने से पहले उसे परखना जरूरी है, डेट पर जाने से पहले पॉकेट चेक करना जरूरी है, वैसे ही गेम खेलने से पहले उसे समझना जरूरी है। यहाँ पर हम 100 लोगों से एक सवाल पूछते हैं और उन सवालों से जो हमें जवाब मिलते हैं उनमें से टॉप आंसर्स हम बबली की प्लेलिस्ट में डाल देते हैं। अब वही सवाल मैं यहाँ इन लोगों से पूछूंगा और जिसके जवाब बबली की प्लेलिस्ट में होंगे वो पॉइंट्स कमाएगा, लेकिन जिसके जवाब प्लेलिस्ट में नहीं हुए वो ये सुनेगा, यानी कि आपका हो गया पंक्चर। तो अब पहले सवाल के लिए और पहले जवाब के लिए बुलाते दोनों कैप्टन्स संदीप एंड नीति को। लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून। संदीप एंड नीति, अब जो सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 6 जवाब। थैंक यू सो मच बबली। याद रखिए जो पहले बजर दबाएगा उसे पहले जवाब देने का मौका मिलेगा, अगर उसका टॉप जवाब हुआ तो गेम उसके पाले में, अगर टॉप जवाब नहीं हुआ सामने वाले को मौका मिलेगा, जिसका भी जवाब टॉप जवाब के सबसे करीब रहा वो इस गेम को आगे बढ़ाएगा। ऑलराइट रेडी? यस। और ये सुनिए अपना सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा किसी एक पुराने बॉलीवुड गायक का नाम बताइए। तो इससे पहले कि नीति मूव करती संदीप ने ऑलरेडी बजर दबा दिया। बोलिए संदीप। मोहम्मद रफी। उनकी गानों की बात तो फिर कभी चलती रहेगी, लेकिन पहले देखते हैं कि ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। बहुत खूब। लेकिन नीति मतलब ये है कि नंबर वन आंसर अभी भी रिवील नहीं हुआ है, अगर आपने वो जवाब दे दिया तो ये गेम आप आगे बढ़ाएंगे। अच्छा आंसर किशोर कुमार। किशोर कुमार, किशोर कुमार बबली। Well done, number one जवाब नीति, let's go, I'll see you later संदीप। Wonderful, बहुत खूब। गुरप्रीत, हमने 100 लोगों से पूछा किसी एक पुराने बॉलीवुड गायक या गायिका का नाम बताइए। लता मंगेशकर। आइए मालूम करते हैं लता दीदी बबली की प्लेलिस्ट पे। बहुत खूब। और ये जवाब देकर आपने अपने लिए जीत लिया है 8,000 रुपए का स्पॉट प्राइज। Well done गुरप्रीत, क्या बात है। मुस्कान, हमने 100 लोगों से पूछा किसी एक पुराने बॉलीवुड गायक या गायिका का नाम बताएं। आशा भोसले। आशा भोसले बबली की प्लेलिस्ट पर। हरमीत बताइए आपका क्या है जवाब। एआर रहमान। मेरे ख्याल से वो इस जनरेशन के ही कहलाए जाएंगे, देखते हैं। एआर रहमान फिर भी बबली की प्लेलिस्ट पे। दो पंक्चर हो चुके हैं, यानी कि मौका आपके पास आ सकता है किसी भी समय। अगर इनका एक और पंक्चर हुआ मैं आपके पास आऊंगा एंड फिर आप मिलकर मुझे एक जवाब दीजिएगा। नीति। हेमंत कुमार। हेमंत कुमार बबली की प्लेलिस्ट पर। दैट मींस संदीप यू गाइस हैव अ चांस। मैं आप चारों से एक बार पूछूंगा लेकिन फाइनल जवाब संदीप आपका होगा। अंकित। राहत फतेह अली खान। अनन्या। आई डोंट हैव एनी आईडिया। जया। सुरैया। बहुत ही बेहतरीन जवाब, लेकिन संदीप इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का कोई जवाब देना चाहेंगे? 5 सेकंड। मुकेश।
मुकेश, अगर ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ, जितने पॉइंट्स बबली की प्लेलिस्ट पे हैं, वो सब हो जाएंगे संदीप के। लुकिंग फॉर मुकेश। भाई आई एम श्योर हम सब जानना चाहेंगे कि वो कौन से जवाब हैं जो हमें अभी तक नहीं मिले। बबली क्विकली टेल अस सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब। इसके अलावा थर्ड मोस्ट पॉपुलर जवाब। बहुत खूब, थैंक यू सो मच बबली। भाई पहले सवाल के बाद संदीप ने 46 पॉइंट्स कमा लिए हैं। नीति ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है, लेकिन हमारा स्कोरबोर्ड कुदरत के मौसम की तरह नहीं है जो अपने वक्त पर ही बदलता है, ये तो इंसान की फितरत की तरह है जो मौका देख बदल जाता है। देखते भाई दूसरे सवाल में ये किसकी तरफ रुख बदलता है। लेट्स कॉल अपॉन गुरप्रीत एंड अजया टू प्ले फैमिली फॉर्च्यून। आइए आइए। हेलो 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 गुरप्रीत, जया, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं जिसके मैं ढूंढ रहा हूं टॉप 6 जवाब। थैंक यू सो मच। हमने 100 लोगों से पूछा एक आदमी के ब्रीफकेस में क्या मिलेगा। जया, चेकबुक। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। ये जवाब हमारे सर्वे में नहीं था गुरप्रीत। पेन। एक कलम वाली बाई, मेरे कहने का मतलब है कलम वाली बबली, चेक करके बता कलम है कि नहीं तेरी प्लेलिस्ट में। वाओ, बड़ा कम होता है ये जहां पर दोनों टीम के कैप्टन या दोनों टीम के प्लेयर्स ऐसा जवाब देते हैं जो बबली की प्लेलिस्ट में नहीं है। इसका मतलब अब मैं जाऊंगा अनन्या के पास। आपने अगर कोई ऐसा जवाब दिया जो प्लेलिस्ट में है तो ये गेम आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? हमने 100 लोगों से पूछा एक आदमी के ब्रीफकेस में क्या मिलेगा। हैंडकरचीफ। ये रुमाल बबली की प्लेलिस्ट पर। बारी मुस्कान की। अब मुस्कान, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल बबली की प्लेलिस्ट पर। अब बारी हरमीत की। हरमीत, हमने 100 लोगों से पूछा एक आदमी के ब्रीफकेस में क्या मिलेगा। नोटपैड। देखते हैं नोटपैड बबली की प्लेलिस्ट पर। आदमियों के ब्रीफ केस को अभी तक के समझी नहीं है ये लेडीज, न जाने क्या क्या निकल आता है मर्दों के ब्रीफ केस में से। नीति, क्या आप उनमें से हैं जो मुझे बता पाएंगी। फोटोग्राफ। क्या ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है। अब इसका मतलब ये है कि आप लोग के पास मौका है, एक और पंचर हुआ। आई विल कम टू यू वंस मोर, लेट मी रिपीट। हमने 100 लोगों से पूछा एक आदमी के ब्रीफ केस में, उनके ऑफिस बैग में क्या मिलेगा। लैपटॉप। लैपटॉप पब्लिक की प्लेलिस्ट पे। मुस्कान, पिछली बार आपने अपनी टीम को बचा लिया था। वंस अगेन इट्स योर चांस, 5 seconds, गो। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव पब्लिक की प्लेलिस्ट पर। बताइए, मैंने आपसे भी यही सवाल पूछना है। हमने 100 लोगों से पूछा एक आदमी के ब्रीफकेस में क्या मिलेगा। अंकित। स्टेपलर। अनन्या। विजिटिंग कार्ड्स। जया। स्पेक्स। संदीप, इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का कोई जवाब। स्पेक्टेकल्स। ये जवाब अगर बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ तो सारे पॉइंट्स इनके, नहीं तो ये बड़ा ही विचित्र सवाल है, इसने कईयों को डुबो दिया। देखते हैं ये संदीप को डुबोएंगे या उन्हें पार कर जाएंगे। मैंने आपसे भी यही सवाल पूछना है। हमने 100 लोगों से पूछा एक आदमी के ब्रीफकेस में क्या मिलेगा। अंकित। स्टेपलर। अनन्या। विजिटिंग कार्ड्स। जया। स्पेक्स। संदीप, इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का कोई जवाब। स्पेक्टेकल्स। बड़ा ही विचित्र सवाल है, इसने कईयों को डुबो दिया। देखते हैं ये संदीप को डुबोएंगे या उन्हें पार कर जाएंगे। आइए जल्दी से देखते हैं बबली की प्लेलिस्ट पे कौन से जवाब है जो कोई नहीं बता पाया। सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब बबली। पीना सेहत के लिए हानिकारक है। फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब।
फोर्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब एंड वन लास्ट मिसिंग थर्ड बताइए. भाई आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक के स्कोर्स पर. संदीप पहुंच गए हैं 46 पॉइंट्स पर. नीति एंड फ्रेंड्स ऑन 40 पॉइंट्स. नेक टू नेक चल रहा है बॉस. कब क्यों कहां कौन किससे किसको कैसे कह रहा था. ये डबल मनी है क्या. हाँ जी डबल मनी है ये. यानी गेम वही पॉइंट्स हो जाएंगे डबल. जरा भी चूके और होगी ट्रबल क्योंकि ये राउंड डिसाइड करेगा कि कौन जैकपॉट जाने का चांस प्राप्त करेगा. और अब डबल मनी के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मुस्कान एंड अनन्या. लेट्स प्ले डबल मनी. जो सवाल है हम उसके कितने जवाब ढूंढ रहे हैं. इट्स टॉप फाइव. डबल मनी के लिए ये रहा आपका सवाल. हमने 100 लोगों से पूछा गुस्सा कंट्रोल करने के लिए लोग क्या करते हैं. अनन्या गाने सुनते हैं. ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर. मुस्कान दैट मींस ये पूरा का पूरा पैलेट खुला है आपके लिए. इनमें से कोई सा भी एक जवाब दीजिए. हमने 100 लोगों से पूछा गुस्सा कंट्रोल करने के लिए लोग क्या करते हैं. बैकवर्ड काउंटिंग. बैकवर्ड काउंटिंग. यस. गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आ रहा है. आ, दस, नो, आठ, सात, छह, पांच, चार, तीन, दो, एक. आई फील बेटर. आप सही थी. आइए देखते हैं ये जवाब पब्लिक की प्लेलिस्ट में है या नहीं. ना केवल आपने वो जवाब दिया जो बबली की प्लेलिस्ट पे है बल्कि साथ ही साथ 8,000 रुपए का स्पॉट प्राइज. अनन्या गो ऑन. मैं मुस्कान के साथ ये गेम आगे फॉरवर्ड खेलूंगा. वाह हरमीत जी हमने 100 लोगों से पूछा गुस्सा कंट्रोल करने के लिए लोग क्या करते हैं. पानी पीती हूँ. ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर. नीति आप देख सकती हैं कि जितने पॉइंट्स आप कमा रही हैं उसके डबल आपको मिलते जा रहे हैं. नीचे 50 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. नीति बैक टू यू 5 सेकंड्स गो. सिचुएशन अवॉइड करते हैं वहां से निकल जाते हैं उस जगह से. बबली गुरप्रीत एक बार फिर से आपके पास. दूसरे पे निकाल देते हैं. गुरप्रीत ने जो जवाब दिया ये बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं. गुस्सा कंट्रोल करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं. मुस्कान गो फॉर इट. किसी चीज को पंच करते हैं प्रेफरेबली अ पिलो. अगर ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ तो ठीक है वरना मैं चला उस पार. बबली हेलो. हेलो. हमने 100 लोगों से पूछा गुस्सा कंट्रोल करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं. अंकित लंबी सांस लेते हैं. अनन्या बर्तन तोड़ते हैं. जया मैं तो लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी. संदीप इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का. शांत रहते हैं चुप रहना को रह के कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की. क्या ये शांति आपको 50 पॉइंट्स दिलाएगी या नहीं. लेट्स फाइंड आउट. बबली हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स. हमने 100 लोगों से पूछा गुस्सा कंट्रोल करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं. अंकित लंबी सांस लेते हैं. अनन्या बर्तन तोड़ते हैं. जया मैं तो लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी. संदीप इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का. शांत रहते हैं चुप रहना को रह के कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की. क्या ये शांति आपको 50 पॉइंट्स दिलाएगी या नहीं. लेट्स फाइंड आउट. बबली Well, इसी के साथ बिग मनी यानी कि अगले राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं. नीति एंड फ्रेंड्स वेल डन. लेट्स क्विकली फाइंड आउट कौन कौन से जवाब रह गए बबली की प्लेलिस्ट पे. फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब बबली. द थर्ड मोस्ट पॉपुलर जवाब इज फर्स्ट यानी कि द मोस्ट पॉपुलर जवाब इज संदीप. वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आपको हमें टाटा बाय बाय बोल के जाना होगा. लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप खाली हाथ नहीं जा रहे हैं. आपने अपने लिए जीत लिया है 2,300 रुपीज के प्राइजेस, 8,000 रुपीज के कॉन्सोलेशन प्राइजेस, 10,300. कांग्रेचुलेशंस. ऑलराइट नीति
क्विकली चूज आप में से कौन से दो खेलने वाले मैं और मीत नीति एंड हरमीत कैन जॉइन मी हियर राइट हियर आप इस तरफ बिग मनी के लिए तैयार हैं ये दोनों और अगर दोनों ने मिलकर 200 पॉइंट्स कमा लिए तो जीत जाएंगे 30,000 का जैकपॉट तो बताइए भाई ये जैकपॉट खेलने के लिए सबसे पहला मेंबर कौन आ जाएगा मीत मीत खेलने के लिए जा रही है तो भाई जाओ बटेरू जाओ जैकपॉट का पहला राउंड ये खेलने वाले हैं वील सी यू लेटर थैंक यू बाय सो मच लेट्स प्ले बिग मनी हरमीत जी 25 सेकंड में मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा जी ये 5 सवालों के जवाब देके आपको 200 के करीब से करीब पहुंचना है ओके अगर किसी भी सवाल का जवाब आपको ना देना हो स्किप करना हो तो आप पास बोल दीजिएगा ओके मैं अगले सवाल पर बढ़ जाऊंगा और अगर अंत में समय बचेगा तो मैं वो स्किप किया हुआ सवाल दोबारा पूछने आपके पास आऊंगा 200 पॉइंट्स की दौड़ में आपका समय शुरू होगा पहले सवाल के बाद ये रहे आपके सवाल ऐसी कोई सब्जी बताइए जो आप कच्ची खाना पसंद नहीं करते ककड़ी ऐसी क्या चीज है जिसे लिए बिना आप घर से नहीं निकलेंगे पर्स जेल से बेल पाने के लिए आप किसे बुलाएंगे एडवोकेट मर्दों में सबसे कॉमन शू साइज क्या है 6 किन जगहों पर आप वक्त से पहले पहुंचना चाहोगे पब बबली ने आपके अब जवाब सुन लिए लेकिन आपके साथ कितने लोग सहमत हैं हमारे सर्वे के लेट्स फाइंड आउट हरमीत बिहाइंड यू हरमीत जी सबसे पहले तो हमने आपसे पूछा था ऐसी कोई सब्जी बताइए जो आप कच्ची खाना पसंद नहीं करेंगे ओके आपने बोला ककड़ी सॉरी हमारे सर्वे ने कहा ऐसी क्या चीज है जिसे लिए बिना आप घर से नहीं निकलेंगे वॉलेट आपने पर्स. कहा वॉलेट पर्स हमारे सर्वे ने कहा फिर हमने आपसे पूछा जेल से बेल पाने के लिए आप किसे बुलाएंगे वैसे तो खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़े आपने कहा एडवोकेट हमारे सर्वे ने कहा मर्दों में सबसे कॉमन शू साइज क्या है आप न जाने कौन से मर्दों के साथ उठती बैठती हैं रमेश जी आपने कहा 6 हमारे सर्वे ने कहा फिर मैंने आपसे पूछा था किन जगहों पर आप वक्त से पहले पहुंचना चाहेंगे आपने कहा पब हैप्पी आर का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती हैं हमारे सर्वे ने कहा हरमीत जी आपने टोटल 90 कमाए हैं नॉट अ बैड स्कोर यानी कि केवल 110 की जरूरत पड़ेगी नीति को ओके लेट्स गो लेट्स फाइंड हर आइए नीति लेट्स प्ले बिग मनी यू शुड बी वेरी हैप्पी 90 का स्कोर है अमित का यानी कि आपको 110 पॉइंट्स और चाहिए मैं आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा 30 सेकंड्स इन टोटल वो इसलिए क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसा जवाब दिया जो हरमीत दे चुकी है तो आपको सुनाई देगी ये आवाज इसका मतलब यह है कि आपको अपना जवाब बदलना है यू हैव टू गिव अ फ्रेश आंसर कभी भी किसी भी समय आपको कोई सवाल अगर स्किप करना हो यू कैन से पास मैं अगले सवाल पर बढ़ जाऊंगा लेकिन अगर समय बचेगा आई विल आस्क दैट क्वेश्चन अगेन आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर बेस्ट ऑफ लक ये रहे आपके सवाल ऐसी कोई सब्जी बताइए जो आप कच्ची खाना पसंद नहीं करेंगे करेला ऐसी क्या चीज है जिसे लिए बिना आप घर से नहीं निकलेंगे मोबाइल जेल से बेल पाने के लिए आप किसे बुलाएंगे पास मर्दों में सबसे कॉमन शू साइज क्या है 7 किन जगहों पर आप वक्त से पहले पहुंचना चाहोगे पार्टी जेल से बेल पाने के लिए आप किसे बुलाएंगे किसी भी एल्डर आदमी को अपने घर के बड़े को किन जगहों पर आप वक्त से पहले पहुंचना चाहेंगे अनदर आंसर मंदिर क्या आपको लगता है आपने 110 की दौड़ में हरमीत ने दिए और अब आपकी बारी सबसे पहले हमने आपसे पूछा ऐसी कोई सब्जी बताइए जो आप कच्ची खाना पसंद नहीं करेंगे आपने कहा करेला मेरे बबली ने क्या कहा बताओ बताओ बाय द वे That is the top answer. Thank Very you. well done. Thank you. ऐसी क्या चीज है
जिसे लिए बिना आप घर से नहीं निकलेंगे। आपने क्या कहा था? मोबाइल। मोबाइल हमारे सब ने कहा। By the way, पर्स वॉलेट वॉज द टॉप आंसर जो आपने कहा था हरमीत। जेल से बेल पाने के लिए आप किसे बुलाएंगे? आपने क्या कहा था? Anybody elder in my house? घर के बुजुर्ग को, elder from the family, हमारे सर्वे ने कहा। By the way, lawyer was the top answer. मर्दों में सबसे कॉमन शू साइज क्या है? आपने कहा 7, हमारे सर्वे ने कहा। By the way, 9 was the top answer. 21 पॉइंट्स की जरूरत इस जैकपॉट के लिए। क्या ये आखिरी जवाब इनको वहां ले जा पाएगा? मैंने आपसे पूछा था किन जगहों पर आप वक्त से पहले पहुंचना चाहोगे। आपने पहले तो कहा पार्टी, पार्टी मेरा, और उसके बाद चूंकि वो जवाब पहले दिया जा चुका था तो आपने पलट के बोला मंदिर। I don't know why. हमारे सब ने कहा 0। Come on in, guys. Join me in the center. बहुत good. Well done, Neeti. बहुत good, बहुत good. Although आप जैकपॉट नहीं जीत पाए, लेकिन आपके जवाब बड़े मजेदार थे और आपने जितने पॉइंट्स कमाए उसके अनुसार आपने अब तक 22,400 रुपए के प्राइजेस, 16,000 का स्पॉट प्राइज, यानी 38,400 के प्राइजेस जीती हैं। वेरी वेरी वेल डन। और अब भाई ये डील वो डील, ये सेल वो सेल, ये स्कीम वो स्कीम, ये ऑफर वो ऑफर, सबको जाकर टटोल डालो, लेकिन एक बात अपने दिमाग को समझा लो कि ये सब छोड़ छाड़ कर फिर यहाँ वापस आना है मेरे साथ खेलने। फैमिली फॉर्च्यून।